सभी मंच पर विराजमान एक एक व्यक्ति विशेष का और जो नीचे पंडाल में बैठे सभी मेरे भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग उकलाना से यहाँ इकट्ठे हुए इस पंडाल में। आप सब और हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ इकट्ठा होने का कि 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन, और पार्टी ने मुझे आपकी उम्मीदवार बनाकर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो जितने भी मेरे भाई बंधु आए हुए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के वोट की अपील कर रही हूँ आपसे, आपका आशीर्वाद मांग रही हूँ, आपका सहयोग मांग रही हूँ और आपका साथ मांग रही हूँ कि आप जितने भी मेरे नौजवान बच्चे बैठे हैं, मैंने पहले भी पीछे 2019 के इलेक्शन में कहा था कि हमें बानर सेना की तरह वो राम सेतु बनाना होगा और एक कड़ी मेहनत करनी होगी, हमें घर घर हर द्वार पर जाकर उस घर का कुंडा खड़खड़ाना पड़ेगा और हर दहलीज तक इस चाबी को पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि 30% वोटर्स ऐसे होते हैं जो जिनको किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, उनका सिर्फ ये होता है कि जो जिसके पास पहुंच गया वो उसी पार्टी के सिंबल पर मोहर लगाने का काम करते। तो जितना भी यूथ आया हुआ है, आज ये यूथ सम्मेलन है, तो मैं नौजवान बच्चों से कहूंगी कि मैं आपकी माँ हूँ, तो एक माँ के लिए जो नौजवान बच्चा होता है वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं मेरी नौजवान बच्चों की ड्यूटी लगा रही हूँ कि आप हर घर हर दहलीज इस नैना चौटाला के लिए वोट मांगने के लिए जाओ, उन 30% वोटर्स के पास जाओ जिनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इस चाबी को हर दहलीज तक पहुंचाने का काम करो, उस घर का दरवाजा हर 10 बार खड़खड़ाने का काम करो ताकि लोग पार्टी से जुड़े। आप पार्टी से तन मन और धन से जुड़ो। तन से मेरा मतलब है कि आप अपने घरों से निकलकर हर 10 घर तक दस्तक दो वोट मांगने के लिए, क्योंकि ये समय घरों में बैठने का नहीं है। हमें हर जन तक जननायक जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाना होगा, हमें ताऊ देवीलाल के बताए रास्ते को हर घर घर तक पहुंचाना होगा। और मेरा मन से मतलब है कि जिन लोगों को भी आप पार्टियों में जोड़ो, उनको मन से जोड़ो ताकि वो लंबे समय तक पार्टी के साथ पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे, पार्टी के साथ दमखम से मजबूती के साथ खड़े रहे। और धन से मेरा मतलब है कि आपके पास जिन लोगों के पास भी व्हीकल है, आप अपने साधन ले लेके हर गांव से दूसरे गांव तक वोट मांगने का काम करो, क्योंकि आज का दिन जो है वो जननायक जनता पार्टी के लिए कड़ी मेहनत का समय है। हमने बहुत मुश्किल टाइम देखा था 2019 का, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने एक लंबा संघर्ष करके, दिन रात एक करके, हर युवा साथी जो था वो दुष्यंत चौटाला बन के घर घर पहुंचने का काम किया था। जितनी भी मेरी मातृ शक्ति थी उन्होंने नैना चौटाला बन के घर घर जाने का काम किया था, और जितने भी हमारे बड़े थे उन्होंने अजय सिंह चौटाला का रूप बन के हर घर में वोट मांगने का काम किया था। तो बहनों और भाइयों, ये समय जो है ये वो समय 2019 वाला है, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पार्टी का प्रचार और प्रसार के बहुत सारे माध्यम होते हैं, कोई फेसबुक से प्रचार करता है, कोई मेरे जैसी मेरी माताएं जो है कीर्तन में जाके भी पार्टी का प्रचार कर सकती है, और जो मेरे बड़े बुजुर्ग है वो गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार करने का काम करो। एक महिला को प्रत्याशी बना के जननायक जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, और आज तक का इतिहास है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से कोई भी महिला जो है वो लोकसभा में नहीं पहुंची। तो मैं बहुत ही हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस बार ये ठान लो कि हमने एक महिला को लोकसभा में भेजना है, और लोकसभा में किसको भेजना है, नैना सिंह चौटाला को, जननायक जनता पार्टी की इस उम्मीदवार को, और आपकी इस बहन को, आपकी इस माता को, आपकी इस बड़ी बहन को, छोटी बहन को, काकी को, जो भी आप मानो मान लो, पर आप मेरे लिए जन जन तक जाके प्रचार करो। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि पार्टी की जो भी नीतियां हैं वो आपको दुष्यंत बताएगा। तो मैं आपसे आपका सहयोग मांग रही हूँ, आपका साथ मांग रही हूँ कि आप मेरे लिए घर घर जाकर राम सेतु बनाकर वोट मांगने का काम करो, और इस नैना चौटाला को विजयी बनाकर लोकसभा में भेजने का काम करो। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।